हिमाचल में आज पूर्ण राजद्रव्य दिवस धूमधाम से मनाया गया। सोलन जिला मुख्यालय पर ये दो स्थानों पर एक साथ मनाया गया। नगर परिषद हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त सोलन केसी चमन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्राओं ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए, जिसका दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान वक्ताओं ने प्रदेश में हुई उन्नति और विकास के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अधिक जानकारी देते हुए उपायुक्त सोलन केसी चमन ने बताया कि आज जहां एक और नए मतदाताओं को पहचान पत्र जारी किए गए, उन्हें शपथ दिलवाई गई ताकि वे लोकतंत्र के महापर्व में अपना कीमती वोट डालकर अपना कर्तव्य निभाएं। वहीं इस मौके पर हिमाचल के पूर्ण राजद्रव्य स्वर्ण जयंती के पर्व पर प्रदेश में हुए चहुमुखी विकास की यात्रा के बारे में भी युवाओं को जानकारी दी, जिसमें जिला में वक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने विचार भी साझा किए। हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य के स्वर्ण जयंती समारोह के 50 वर्ष का जो अस्तित्व हुए हैं उसका वो समारोह चला हुआ है सारे प्रदेश में। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सोलन में दो जगह हैं और सारे जिसमें पांच जगह नियंत्र है, तो सात जगह लोकेशन में सेलिब्रेशन चली है। और इसके लिए हमने युवाओं को आज मतदाता पहचान पत्र पहली सेशन सत्र में दिए हैं, गोथली और उसके बारे में और जो संदेश था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन का वो सुनाया। अब हमारा जो समारोह है उसकी चली है, इसमें गोष्ठी होगी, इसमें जो पुराने जो लोग हैं उनके क्या क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे, प्रदेश सरकार की जो यात्रा है वो अपना एक्सपीरियंस युवाओं से साझा करेंगे ताकि एक सतत जो प्रक्रिया वो बनी रहे। तो उस ढंग से एक आज पूरा जो संदेश दिया जा रहा है और इसको पूरा ये जो सेलिब्रेशन है पूरे वर्ष चलती रहेगी, जिला में भी राज्य में भी ये पूरा स्वर्ण जयंती वर्ष है, हर एक इस चीज़ से इसको जोड़ा जाएगा। ये बड़ा उत्साह का विषय है हमारे लिए कि राज्य ने बहुत अभूतपूर्व प्रगति की है और ये जो प्रगति है जो इतिहास रहा है उसका पूरा समावेश अभी हम इसमें किया गया है प्रोग्राम में, ताकि युवाओं को हम पूरा संदेश दें हम कहां से शुरू हुए, हम कहां तक पहुंचे हैं और आगे की यात्रा किस प्रकार की रहेगी। इस संदर्भ में ही है।